write down the problem. The lateral as of a rectangular, the lateral as of regular, regular is important, the lateral as of regular rectangular pyramid, regular rectangular pyramid is A. The regular edge of the lateral edge of regular rectangular pyramid is A, centimeter long. The lateral edge makes an angle alpha with the plane of base. Okay, the value of alpha forms the volume of pyramid is greatest. Now concentrate kariye, it's a regular pyramid to or rectangular base hai. So that's because the pyramid is regular, so base must be square. Pyramid regular hai, isliye base kaisa hona chahiye, square hona chahiye, tabhi ye sabhi length barabar hongi. Concentrate kariye, ye maine kya kiya, agar main isko join karta hu to is type ka hai, ye lagbhag ye aise aise ye. अगर ये रेगुलर है तो ये चारों लेंथ बराबर होंगी. तो मैंने क्या किया, इस लेंथ को x मान लिया. अगर मैं इस लेंथ को x मान रहा हूँ तो ये भी x होगा, ये y है, ये y है. अगर ये रेगुलर है तो नेसेसरीली ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये 90 होगा. तो ये लेंथ भी, ये दोनों लेंथ कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी. तो जो रेक्टेंगुलर पिरामिड है उसका जो बेस प्रॉब्लम है, रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया है, रेगुलर रेक्टेंगुलर, रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड का बेसिकली मीनिंग क्या है कि जो बेस है वो स्क्वायर है. तो इंपॉर्टेंट थिंग ये हमारे पास क्या है, ये एंगल अल्फा दे रखा है एंड लेटरल एज दे रखा है. तो मैं प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच कर सकता हूं, ये मेरे पास अल्फा है, ये ए है, ये एच होगा, एच इक्वल टू आ जाएगा ए साइन अल्फा. सही है, एच इक्वल टू ए साइन अल्फा होगा. ये लेंथ x है, ये वाली जो लेंथ है ये x है. तो x इक्वल टू मेरे पास आएगा, x इक्वल टू होगा a cos अल्फा, x इक्वल टू a cos अल्फा होगा. इनफैक्ट y मतलब ये 4x स्क्वायर, x x 2x है, तो 4x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आएगी, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू होगी 2x स्क्वायर. और अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर जो पिरामिड है, रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड, वो कितना आएगा, बेस एरिया इनटू हाइट. तो वॉल्यूम बेस एरिया वाई स्क्वायर होगा मेरे पास, हाइट, हाइट कितनी है, एच है, और ये पिरामिड है, दैट्स बाई थ्री. अगर पाइप होता हैविंग बेस स्क्वायर या क्यूब टाइप का होता तो वॉल्यूम वाई स्क्वायर एच होता, लेकिन y square h by, it's a pyramid, so y square h by 3. अगर मैं अल्फा के टर्म्स में निकालूं, y square की वैल्यू 2x square है, into h by 3, और अगर मैं फंक्शन ऑफ अल्फा निकालूं, a कांस्टेंट है, तो मेरे पास ये कितना आ गया, x square की वैल्यू 2 a square, x square की वैल्यू है cos square अल्फा, और यहां पर है a sin अल्फा by 3. ये मेरे पास फंक्शन ऑफ क्या आ गया, फंक्शन ऑफ अल्फा आ गया. हमें अल्फा चाहिए जिसके लिए ये मैक्सिमम हो, तो v फंक्शन ऑफ अल्फा आ चुका है 2aq by 3 cos square अल्फा sin अल्फा, ऐसा कुछ आ चुका है. और अगर मैं इसके डेरिवेटिव पे जाऊं, y डैश निकालूं, v डैश निकालूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो ये मेरे पास v डैश कितना आएगा, वी डैस. इनफैक्ट इसको मैं और भी सिंपल कर सकता हूं, ये मेरे पास v आ जाएगा 2 ए क्यू बाई 3, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, तो साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा ये आ गया. और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा v डैस, तो v डैस मेरे पास आएगा, v डैस होगा 2 ए क्यू by 3 cos alpha into minus 3 sin square alpha into cos alpha. Cos alpha को common ले लेंगे, तो cos alpha can not be 0, and sin alpha की value कितनी आ जाएगी मेरे पास, sin alpha की value आएगी, sin alpha equal to 1 by root 3
या प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आएगी। तो इनफैक्ट अगर मैं डबल डेरिवेटिव पे जाऊंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास इतना आ गया। देखिए साइन अल्फा इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्यूटी है तो साइन अल्फा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और कॉस अल्फा तो जीरो नहीं होगा, पाई बाई टू तो होगा नहीं वो। तो इनफैक्ट ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव भी इस पर चेक कर सकते हैं, मैक्सिमा आएगा तो साइन अल्फा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री आ रहा है तो अल्फा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, साइन माइनस वन बाई रूट थ्री वो तो नहीं दिया है कुछ। अगर मैं टेन अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टेन अल्फा की वैल्यू होगी वन अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा टू रूट टू आएगा भाई, तो थ्री नाइन माइनस वन टू रूट टू, तो कॉट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टू रूट टू, तो इट मीन्स अल्फा हुआ कॉट इनवर्स टू। तो इसको करेक्ट कर लें, ये ऑप्शन टू रूट टू होना चाहिए। तो जब कॉट अल्फा की वैल्यू कॉट इनवर्स टू रूट टू होगी तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होगा वो मैक्सिमम ऑब्टेंड होगा। कंसंट्रेट करिए, मैंने इस पे डबल डेरिवेटिव का साइन भी चेक कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव का साइन इसके इस पॉइंट के लिए साइन अल्फा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री के लिए कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट्स व्हाई इस पे मैक्सिमा आएगा और वही क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होगी। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज ऑब्टेंड एट अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स टू रूट टू। ठीक है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी लेटरल एज ऑफ रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड से हमें यह कंक्लूजन निकालना था कि जो बेस होगा वो रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर ही हो जाएगा। आफ्टर दैट एरिया इनटू हाइट बाय थ्री वॉल्यूम होता है, उसको मैक्सिमाइज किया अल्फा के टर्म्स में लेके आए और ऐसा अल्फा निकाला। इनफैक्ट इसका इस पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव चेक करना चाहिए जिसपे डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा, डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा, दैट्स व्हाई इस पे मैक्सिमम आ रहा है। तो अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स टू रूट टू के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेंड होगा। ठीक है।